अपने विंडोज 7 के इंटरनेट एक्सप्लोरर में किसी भी वेबसाइट को अगर आप ओपन कर रहे हो और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो रहा है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कैसे करेंगे? आपको अपने विंडोज 7 का जो एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपको उसके सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे उसके सेटिंग्स में जाता हूँ और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेफ्टी वाले ऑप्शन में चले जाना है। और सेफ्टी वाले ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी है कैशे वगैरह है या कुकीज वगैरह है या हिस्ट्री वगैरह है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे उन सभी को चेक मार्क कर लेना है। और मैं यहाँ पे को बता दूं कि यहाँ पे आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट वेबसाइट वगैरह है या इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह है, तो आप यहाँ पे उसे अनचेक भी कर सकते हो या आप अपने हिस्ट्री को भी अनचेक कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा या साइट्स वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क कर लीजिए। और चेक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे इसे डिलीट कर देना है, मैंने इसे सभी को क्लीन कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये क्लीन हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नीचे मैसेज भी शो हो रहा है यहाँ पे क्लीनिंग का जो यहाँ पे है, तभी डिलीट हो चुका है। और डिलीट होने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको वापस से अपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे आपको यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने एक इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा इंटरनेट ऑप्शन का। तो अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे कनेक्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस कनेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे लैन सेटिंग्स में चले जाना है। अब आपको यहाँ पे मेक श्योर मैंने यहाँ आपको कर लेना है कि यहाँ पे आपका जो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग्स का आपको जो ये ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे ये चेक मार्क लगा हुआ है कि नहीं। अगर ये अनचेक रहता है तो आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क कर लेने के बाद आपको इसे ओके करना है और आपको इसे भी ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आपको वापस से सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे वापस से इंटरनेट ऑप्शन वाले माने इस ऑप्शन में चले जाना है। और इस ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको इस बार यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन में जाना है। एडवांस वाले ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रीस्टोर एडवांस सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। या आप चाहते हो तो आप यहाँ पे अपने टोटल इंटरनेट एक्सप्लोरर का या अपने इंटरनेट से रिलेटेड जितना भी सेटिंग है आप उसे वापस से रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे इस पे क्लिक करके रीसेट पे क्लिक करके जैसे मैं यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको इसे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद आपको इसे रीसेट कर लेना है और यहाँ पे मेरा ये जो है यहाँ पे कम्प्लीटली रीसेट हो चुका है। और रीसेट होने के बाद आपको इसे क्लोज करना है। और क्लोज करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे आपको टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा आपके सिस्टम का जो टाइम है, तो आपको इस सिस्टम वाले टाइम पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे आपको टाइम जोन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो सिटी है, आपका जो जो भी टाइम जोन है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने टाइम जोन को यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट करके रखा हूँ। अगर आपको यहाँ पे अलग टाइम जोन रहता है, अलग सिटी का या अलग कंट्री का टाइम जोन रहता है, तो आपको यहाँ पे अपने कंट्री के टाइम जोन को आपको यहाँ पे इसे चेंज टाइम जोन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली का यहाँ पे मेरा टाइम जोन है, तो मैं यहाँ पे इसे ही सेलेक्ट करके रखा हूँ। तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है अगर आपका यहाँ पे कोई अनदर टाइम जोन यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इंटरनेट वाले टाइम पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे चेंज सेटिंग्स में चले जाना है। चेंज सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो इंटरनेट टाइम है आपका, इंटरनेट टाइम और डेट है, उसे आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे अपडेट कर देना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है जो यहाँ पे मेरा जो टाइम है। अब आपको इसे ओके करना है, देन इसे भी ओके करना है और आपको इसे अब अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को यहाँ पे इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको अपने विंडोज में एक बार रिफ्रेश करना है और रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को यहाँ पे ओपन करके देखना है कि वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोई भी वेबसाइट जो है वो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा वेबसाइट वगैरह है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ google.com, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये गूगल
डॉट कॉम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है, और यहाँ पे आप जो भी वेबसाइट को आप ओपन करना चाह रहे हो तो यहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से अब ओपन होगा। अगर बाय द वे तब भी ओपन नहीं होता है तो आप एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा, और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका इंटरनेट है आप उसे ओपन कीजिएगा, तो उसके बाद आपका जो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।